नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल ITI 360 Degrees में, जो ITI के छात्रों को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है। मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मैं गवर्नमेंट ITI बासी डिस्ट्रिक्ट बांदा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टीचर हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों को पढ़ाती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑफलाइन क्लासेस आपकी चलती थी वो बाधित चल रही हैं, और अब जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही दिया जा रहा है। तो आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से हम वीडियो लेक्चर्स, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो चैप्टर नंबर 5 की है, जो कि है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, यानी कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक मटीरियल के बारे में आज की ये क्लास है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 की जो क्लास है वो सर ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और जो कि फिटर ट्रेड से संबंधित है, और शीट मेटल, ये सारे टॉपिक्स हैं उसमें। तो वो सभी चीज़ें सर आपको पढ़ाएंगे, तो आप उनकी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिएगा। जो कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और सभी जितने भी मैकेनिकल ट्रेड वाले छात्र हैं, सभी बच्चों को वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और आज की जो ये क्लास है वो इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और RAC, इन सभी ट्रेड के छात्रों के लिए, साथ में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और भी जितनी भी ट्रेड हैं, उन सभी ट्रेड के छात्रों के लिए आज की ये क्लास है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर नंबर 5 था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अकॉर्डिंग। बाकी ये चैप्टर चेंज हो सकते हैं, पर ये टॉपिक आपको इन सभी ट्रेड्स में पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ एवं पदार्थ के प्रकार, यानी कि मैटर एंड इट्स टाइप्स के बारे में, अणु, परमाणु एवं परमाणु संरचना, यानी कि मॉलिक्यूल, एटम एवं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और परमाणु संरचना का नियम यानी कि लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, हम ये तीन टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बन सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, यानी मैटर है किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे जिसका नोट्स भी साथ में बनाते रहेंगे, ताकि आगे फ्यूचर में भी आपको ये सारी चीज़ें काम आए। तो पदार्थ के बारे में पहले हम जानते हैं, पदार्थ ऐसी कोई भी चीज़, पृथ्वी पे पाई जाने वाली ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है, यानी कि एक निश्चित जो होता है उसका वेट होता है, और वो एक क्या करता है, स्थान घेरता है कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है वो पदार्थ कहलाती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। अब जो पदार्थ होता है उसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं, या वो तीन अवस्था में पाए जाते हैं। पहला है ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा है द्रव यानी कि लिक्विड, और तीसरा जो है वो गैसेज होती हैं। तो इन तीन अवस्था में जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या इसे कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ठोस क्या होता है, वह पदार्थ जिसका निश्चित भार होता है, निश्चित आयतन होता है एवं निश्चित आकार होता है, यानी कि इसका भार, आयतन और आकार तीनों ही निश्चित होते हैं, वह ठोस कहलाता है। ठोस का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी कि लोहा, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, कोई भी स्टोन ले सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि इसका जो भार है वो भी निश्चित होता है, उसका जो आकार होता है वो भी निश्चित होता है, और वो एक निश्चित जगह को घेरता है, ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो क्या है, ठोस होता है। फिर द्रव यानी कि लिक्विड किसे कहते हैं, तो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, उसका जो भार होता है वो निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, परंतु इसका जो आकार होता है यानी जो इसकी आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है। द्रव में क्या होता है, भार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में या जिस भी पात्र में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए आप इसे किसी स्क्वायर शेप के कंटेनर में रखते हैं, किसी वर्गाकार अगर कंटेनर में रखते हैं, पात्र में रखते हैं, तो ये उसका आकृति ग्रहण कर लेता है। यदि आप किसी
वृत्त वृत्ताकार कंटेनर में से रखते हैं, पात्र में रखते हैं, तो ये उसका आकार ग्रहण कर लेता है, यानी जिस भी पात्र में आप इसे रखते हैं उसका ये आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसका जो आयतन होता है और जो भार होता है, ये दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं। गैस के बारे में बात करेंगे, गैस किसे कहते हैं, तो गैस का सिर्फ भार निश्चित होता है, इसका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, कि जिस भी पात्र में रखता है उसी का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी ठोस में आप क्या कहेंगे, ठोस वह पदार्थ होता है जिसका भार आयतन और आकार तीनों ही निश्चित होता है। द्रव वह पदार्थ होता है जिसका भार और आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता। और गैस वह पदार्थ होता है जिसका सिर्फ भार निश्चित होता है, आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पदार्थ और पदार्थ के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के जो तीन प्रकार हैं उसको आप कैसे परिभाषित करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं अणु, परमाणु एवं परमाणु संरचना के बारे में। अणु जो होता है वो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसमें उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुण और उस पदार्थ के सभी भौतिक गुण विद्यमान होते हैं और वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी कि स्टेबल होता है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसी भी पदार्थ के सभी भौतिक गुण को, जैसे कि वो किस अवस्था में पाया जा रहा है, ठोस में, द्रव में या गैसेस में पाया जा रहा है उसे, और साथ में ही वो कैसे किस प्रकार के उसमें रासायनिक गुण हैं, यानी वो एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का है, क्षारीय नेचर का है, किस नेचर का है, ये सभी चीज़ें उसमें विद्यमान होती हैं, प्रदर्शित करता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो उस पदार्थ की रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है और ये जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये क्रियाशील होता है, ये रासायनिक क्रियाओं के लिए क्रियाशील होता है, उसे परमाणु कहते हैं। जो परमाणु होता है वो अणु से भी छोटा होता है, ये एक स्वतंत्र भाग में नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। अब आप सबसे पहले आपने क्या देखा, जो पदार्थ होता है, पदार्थ भी किससे बना होता है, पदार्थ भी मॉलिक्यूल से मिलकर, यानी कि अणु से मिलकर बना होता है, और अणु किससे मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु भी सबसे छोटा नहीं होता है, परमाणु भी होती है उसकी संरचना होती है, यानी परमाणु भी किसी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और परमाणु में वो चीज़ें कैसी अवस्थित होती हैं, किस तरह से लोकेटेड होती हैं, ये हम अब पढ़ेंगे परमाणु संरचना में। तो हम देखेंगे कि परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो परमाणु होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किससे किससे, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन तीनों चीज़ों से मिलकर परमाणु बना होता है, यानी एटम बना होता है। और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, परमाणु संरचना होता है, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसे हम सौर मंडल से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह सौर मंडल में क्या होता है, सूर्य जो होता है बीच में होता है और जो सभी प्लैनेट्स होते हैं, जिन सभी ग्रह होते हैं उसकी चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, उसी तरह से परमाणु में क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियस होता है जो बीच में होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसकी चारों तरफ सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। तो इस तरह से हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसे हम अपने सोलर सिस्टम से या सौर मंडल से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं या वो किसके समान होता है, तो वो हमारे सौर मंडल के समान ही होता है। जिस प्रकार सौर मंडल में बीच में सूर्य होता है और सारे ग्रह उसकी चारों तरफ चक्कर काटते हैं, उसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर में या किसी एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसकी चारों तरफ बहुत सी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। अब न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डिफरेंट ये जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं इसमें चक्कर काटते रहते हैं कक्षाओं में, और बचा अब दो, एक प्रोटॉन बच गया और न्यूट्रॉन बच गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, किसी भी परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
इनमें से चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसमें कौन कौन से किस पार्टिकल पे किस प्रकार का चार्ज होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है या न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, या आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है यानी ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी कि धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता या न्यूट्रल होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परमाणु संरचना में न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो नाभिक होता है उसमें कौन सा चार्ज हो जाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको ये सभी चीज़ें परमाणु संरचना के बारे में बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो परमाणु होता है वो किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है यानी ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। परमाणु संरचना को हम सौर मंडल से कंपेयर कर सकते हैं, और परमाणु संरचना में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए हमारे नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी नाभिक धनात्मक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं परमाणु संरचना का नियम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक किसी परमाणु में एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को विभिन्न कक्षाओं में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे अवस्थित करना है, इसके लिए परमाणु संरचना का नियम दिया गया है। तो सबसे पहला रूल क्या है इसमें, प्रत्येक परमाणु समान अवस्था में आवेश रहित रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं यानी ऋणात्मक होते हैं, और प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं। तो समान अवस्था में किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए समान अवस्था में किसी भी परमाणु पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होता है वो बराबर होता है पॉजिटिव चार्ज के। समान अवस्था में किसी भी परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को के एल एम एन ओ पी क्यू अक्षरों में से व्यक्त किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परमाणु है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पे विभिन्न कक्षाएं हैं, तो ये जो विभिन्न कक्षाएं हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के एल एम इस तरह से व्यक्त करेंगे। सबसे जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाली जो कक्षा होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, के से, उसके बाद फिर बढ़ते जाएंगे एल एम और आगे आएंगे तो और कक्षाएं आएंगी, तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते जाएंगे के एल एम एन ओ, इस तरह से हम इसे नाम लिखते जाएंगे। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली कक्षा होगी वो के होगी, उसके बाद एल एम एन ओ पी, इस तरह से आपको लिखते जाना है। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, किसी कक्षा में 2n² सूत्र द्वारा संख्या में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर ही अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस नंबर द्वारा भरे जाते हैं, किस सूत्र द्वारा, 2n² नियम द्वारा भरे जाते हैं। अब मान लीजिए यदि कोई भी एटम है उसमें कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में। तो अब इन 11 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन के में होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन एल में होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन एम में होंगे, इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 11 इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो सारे हम के में डाल दें, या वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न कक्षाओं में
रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होकर के रहेंगे, तो वो हम किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं? 2n² नियम के द्वारा हम इन्हें ज्ञात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए कोई भी अगर एटम का दे दिया नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसमें और उसमें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो के के लिए हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, के के लिए एन की वैल्यू है 1। इस तरह एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एम के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और एन की जगह 1 रखेंगे, स्क्वायर बराबर 2, यानी जो के शेल होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह एल, एल में एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो 2 एन की जगह रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे ज्ञात करेंगे, 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एम शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस तरह से एन में 32 आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी कितना 2n² नियम, जब इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे तभी एल शेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे। इसी तरह एल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे तभी एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होंगे। तो ये हो गया हमारा रूल 3। रूल 4 क्या है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, ये 8, 18, 32 ये सारे जो नंबर हैं ये क्या होते हैं, ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यानी कि यदि अगर किसी भी एटम के सबसे बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो वो एटम जो होता है वो स्टेबल हो जाता है और अब वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेगा। कोई भी एटम जो होता है वो क्यों केमिकल रिएक्शन करता है, क्यों रासायनिक क्रियाएं करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है, ताकि उसकी बाहरी कक्षा में ये 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं और वो एक स्टेबल स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में रह सके। इसके लिए रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा क्यों करते हैं, अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए एटम से काम करते हैं। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसलिए होती है ताकि उसमें ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, इसके लिए होती है। तो ये क्या कह रहा है, यानी लास्ट वाले में 8 से अधिक नहीं होंगे ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहे और 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उससे पहले वाले में, यानी इसमें 18 हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वाला शेल बनना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे 8 हो जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 की तरफ बढ़ जाए, इसके लिए उसके नेक्स्ट वाला शेल जो होगा वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये नियम 14 कहता है। लेकिन आप जनरली मैं जो आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपकी ITI के लेवल पे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एटम में होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा बहुत, तो इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर रूल 5 क्या है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाने पर भी नई कक्षा का निर्माण आरंभ हो सकता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियम क्या कहता है, 8 के बाद 18 कहता है, लेकिन 8 के बाद अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कर सकते हैं, 18 में बढ़ सकते हैं, मतलब 8 से 9, 10 ऐसा भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया इस वाले शेल के लिए, पर्टिकुलर एल शेल के लिए, तो अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं तो एल शेल में अब इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे बल्कि अब एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, यदि वो किसी भी शेल में, किसी भी कक्षा में मिल जाता है तो एक नई कक्षा का आरंभ जो होता है, निर्माण वो शुरू हो सकता है। तो ये 5 नियम है, परमाणु संरचना का नियम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न शेल में किस नियम के आधार पर भरे जाते हैं ये सभी चीज़ें समझाई गई हैं।
तो आशा करते हैं आज की इस क्लास से आपको जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ में मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि इन क्लासेस को जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे अगर पहली बार आप आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सभी आईटीआई सीआईटीएस से रिलेटेड मिलते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।